नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल नए केस 3,66,000 के पार हो गए हैं और कुल मौत का आंकड़ा भी 3,700 के पार हो गया है। दिल्ली, मुंबई और दक्षिणी राज्यों में जारी कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हालात बेहद खराब हो रहे हैं। दिल्ली यूपी ने लॉकडाउन को सख्त पाबंदियों के साथ बढ़ा दिया है, तो दक्षिण के राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। देश में देखिए पिछले 24 घंटे में कितने केसेस, 3,66,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। जो एक्टिव केस है उसकी संख्या आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ मौत का आंकड़ा देखिए, 3,754 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में। अभी भी लोग बेहाल हैं। कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, तो कुछ राज्यों ने पाबंदियों और सख्त कर दिया है। तो क्या टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन से निकलेगा कोरोना का समाधान, ये एक बड़ा सवाल। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है, 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स, हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस बार का जो इन्फेक्शन है, इस बार का जो वायरस है, वो और तीव्र गति से आ रहा है। कम से कम 30-40% और बढ़ के आया। इसलिए आपने देखा होगा अप्रैल में काफी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। जितना केसेस आ रहे थे उसके सापेक्ष हमारे संसाधन जो हम बढ़ा रहे थे प्रतिदिन, वो भी थोड़ा सा अपर्याप्त होने लगा था। प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है, और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है। जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं। राज्य के हित में, यदि राज्य के हित में आज मातम हो रहा है, और मातम है, दुख की घड़ी में, इस दुख और वेदना पीड़ा की घड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ चाहते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो हमारे झारखंड के लोगों को कम से कम इस विपदा की घड़ी में एक सबल और सहारा बनके अभिभावक के रूप में खड़े हों। इतनी बड़ी वैश्विक और देश सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के देशों में आज भारत है, तो हमारे देश में इस तरह से छोड़ देना, ये बहुत ही गलत फैसला है। तो केंद्र सरकार को हर स्तर पे इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तो 15 एमटी ऑक्सीजन की आवश्यकता के अगेंस्ट भारत सरकार हमको 270 मैट्रिक टन दे रही है, और वो भी 100 मैट्रिक टन आईएमएक्स भिवाड़ी, 70 मैट्रिक टन जामनगर से, हालांकि हमारे अधिकारी रेलवे से और एयरफोर्स के अधिकारियों से बराबर संपर्क में है कि किसी तरह से इनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाएं, लेकिन स्थितियां तो बहुत विकट है। और सीधे अपने चलते हैं संवाददाता कुमार कुणाल के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, दिल्ली में अगर कह लें तो थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो पहली बार आंकड़े थोड़े कम हुए हैं। इसके पीछे लॉकडाउन एक बड़ी वजह? बिल्कुल, हमको दो तीन चीजों को मुख्य तौर पर देखना होगा। एक तो कि टेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है, 61,000 टेस्ट आज की तारीख में हो रहे हैं। दूसरी बात कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, कभी 35% तक चली गई थी, वो अब लगभग 21% पर आई है। तो बेशक टेस्ट कम हो रहे हो, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है, और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश हैं, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है, और अगले एक हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। दूसरी बात, जो शादियों को लेकर के जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि उसकी वजह से गैदरिंग हो रही है, लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा इसका संक्रमण फैलता है, उसको होटल, बैंकेट हॉल, वेडिंग हॉल, फार्म हाउस, इन सब में बंद कर दिया गया है। अगर आपको शादी करनी ही है, इतना ही जरूरी है,
तो 20 लोगों के साथ आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के जो नियम है उसको सख्त तो बनाया गया है, और शायद यही वजह है कि उनको लगता है कि 21% तक आया है, उसको और कम करके कंट्रोल में लाया जाएगा, और कंट्रोल अगर होगा तब जा करके राहत की बात है। तो फिलहाल नंबर कम है, इसका एक तो वजह यह है क्या कि कम हुए हैं टेस्ट, दूसरी वजह है लॉकडाउन। तो इन दोनों पर ही अब जा करके कि अब टेस्ट का नंबर अगर बढ़ाया जाता है तो कहां रुकता है आंकड़ा, यह देखने वाली बात। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे कुणाल, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले हर दिन करीब 4 लाख को पार कर रहे हैं। तो क्या पीक गुजर रहा है या फिर डर बाकी है? DRDO की नई दवा से क्या उम्मीदें हैं? 3 डॉक्टरों को सुनिए और समझिए कि देश कोरोना के किस फेज में है। 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, उसमें काफी अच्छे कारगर साबित हुई ये दवाई। स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पर स्टैंडर्ड केयर की तुलना में ये दवाई ज्यादा अच्छे से रिकवर कर रही थी पेशेंट्स को। फिर उसके बाद हमें जो है फेज 3 की इजाजत मिली नवंबर 2020 में, और हमने ये मार्च 2020 में फेज 3 ट्रायल 220 पेशेंट्स पे कंप्लीट किया है। The increased numbers. And because many of them have mild COVID due to continuous exposure. However, I would urge everyone not to panic, as only about 5% of the patients with COVID will eventually need oxygen in hospitals. Of these, about 40% will need ICU, and about a third of those in the ICU will need ventilators. Corona ki mahamari is samay pure desh mein vyapt hai. Hamara ganitiya model jiske dwara hum iski trajectory ko ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहां तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पे पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं संक्रमितों के, उसके मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले जो हैं जहाँ आप मौजूद हैं वहीं से सामने आ रहे हैं, और ये शुरुआत से ही day 1 से ही सामने आ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे और रोकथाम के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, और पिछले 15 दिनों में अगर देखें तो 38,000 से घटकर ये 23,333 पर पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आया है। जो टेस्ट हैं वो भी तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच हो रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के टेस्ट हैं। लखनऊ जो कि 6,000 तक गया था वो अब घटकर बीते 24 घंटे में वो 1400 से कुछ ज़्यादा है। वाराणसी भी कम हुआ है, प्रयागराज कम हुआ है। तो ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर भयावह स्थिति थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है वहाँ पर अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चिंता करने की बात है। लेकिन दूसरी गंभीर बात ये भी है कि लगातार कई विधायक और केंद्रीय मंत्री तक इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्या अधिकारियों के लेवल पर भी बनी हुई है। संतोष गंगवार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। एक विधायक जसराना के हैं जो कि फिरोजाबाद से आते हैं, उन्होंने कल कहा कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनकी पत्नी को बेड पे जमीन पर फर्श पर 3 घंटे बिताना पड़ा। 2 विधायकों ने झांसी में पत्र लिखे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है इस वक्त की ज़मीनी हालात में थोड़ी बेहतर स्थिति ज़रूर आई है, लेकिन ये कोरोना का ये जो काल है, जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक इसमें मुश्किलें आती रहेगी। बिल्कुल, मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। राज्य सरकारें कोशिशें और दावा तो कर रही हैं, लेकिन मुश्किलें अब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुणाल और कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन और सांसों के सौदागर नवनीत कालरा ने नया दांव चला है। छापेमारी के बाद से लापता कालरा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। तो उधर नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस LOC जारी किया है। नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स में रेड करके दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद करके बड़ा खुलासा किया है। तो आपको हम बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बीच हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद की रिपोर्ट देखिए पहले।
खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद है जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालरा का आलीशान फार्म हाउस है यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से अपने दो लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार दो गाड़ियां नवनीत कालरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालरा और गगन दुग्गल को 20,000 में मिलता था लेकिन उसको 60,000 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहां पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती है। कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, यानी कि सांसों का सौदा हो रहा था यहां पर, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है कि नवनीत कालरा फरार हो सकता है भारत से। इस वजह से उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वो जारी कराया गया है, क्राइम ब्रांच ने जारी किया है। साथ ही साथ ये जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि अब नया दांव खेला है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो अदालत साकेत कोर्ट में नवनीत कालरा ने दाखिल की है। इन सब के बीच पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया है। जो आपने रिपोर्ट देखी, इसी रिपोर्ट में जो गार्ड है फार्म हाउस का, उसने कैमरे पर खुलासा किया कि किस तरीके से 10 से 12 लोगों की पुलिस की टीम आई थी फार्म हाउस पर जब छापेमारी करने। उसके पहले दो गाड़ियों से नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गया, उसके बाद से इसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगा रही है और इसी का नतीजा है कि नवनीत कालरा जैसे बड़ा चेहरा बेनकाब हुआ, लेकिन और भी ऐसे कई चेहरे हैं इस महामारी में श्वेता जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। आम जनता परेशान है ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में बेड के लिए, और कुछ लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। नवनीत कालरा भी उनमें से एक था। उसके 3 रेस्टोरेंट से छापामारी के दौरान सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था। एक फार्म हाउस जहाँ आज तक की टीम गई थी वहां से 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था। तो बड़ी खबर यही है कि अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया है। साथ ही साथ नवनीत कालरा गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका है वो अदालत में दाखिल कर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार का दावा तो यही है, लेकिन बीजेपी सांसद संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सीधे सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यहां कोई नहीं सुनता है। देखिए, तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में खुद अगर केंद्रीय मंत्री ये लिख रहे हो कि यहां कोई नहीं सुनता है, तो यह मामला जाहिर सी बात है बेहद गंभीर। कोई कुछ भी कहे कि यूपी में हालात अच्छे हैं, कोई कुछ भी कहे कि पर्याप्त अस्पताल, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो किसी और से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही जनप्रतिनिधियों से जानिए। ये फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी हैं। राम गोपाल आरोप लगा रहे हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी को सही इलाज नहीं मिला। उनकी पत्नी को 3 घंटे तक जमीन पर रखा गया। जिलाधिकारी से अनुनय विनय पर किसी तरह से भेंट तो मिला, लेकिन अब भी उनकी हालत कैसी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मेरी पत्नी संध्या लोधी एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए खरीद लिया गया है, यहाँ से ले जाती। जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है।
बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। ठीक ऐसे ही बद इंतजामी का जिक्र बरेली के सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अस्पताल के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, लोग परेशान हैं, लेकिन जिले में अव्यवस्थाओं का अंबार है। संतोष गंगवार के पहले कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी ऐसे ही अराजक माहौल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उपचार न मिलने से, एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों की मौत घरों में हो रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को चिट्ठी भी लिखी थी। सत्यदेव पचौरी से भी पहले लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके इलाके में गांव-गांव में कोरोना से कोहराम मचा है, उन्होंने मदद मांगी थी। तो आलम क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश कोरोना से कराह रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, खास लोग भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि असम में आज से नई सरकार और नया मुख्यमंत्री का दिन है। जी हां, दोपहर करीब 12 बजे हेमंत बिस्व शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंता ने नई जिम्मेदारी से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। हेमंत बिस्व शर्मा आज गोविंदा मंदिर यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि गुवाहाटी में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। जेपी नड्डा यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं। सर्वानंद सोनोवाल जो कि मुख्यमंत्री यहाँ असम के थे, उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी को सौंप दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा की अगर बात करें तो उन्हें असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।